हेलो फ्रेंड्स, इस ठंडी ठंडी मौसम में आप सबको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये जो ब्लॉग है, मैं खास करके अपना जो रूटीन है, मतलब डेली रूटीन, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको ये अपने बालकनी से आपको दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा, जो कि बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है और इसी तरह का मौसम ही रहता है यहाँ पर। मतलब पूरा जनवरी का महीना बिल्कुल ऐसे ही रहता है, धूप बिल्कुल बस नाम का ही निकलता है। तो ये देखिए, धूप नहीं निकलता, इसलिए मेरे जो बालकनी में जो सारे प्लांट्स हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो उनका जो गमला है, मैं एक के ऊपर एक चढ़ा के रख दी हूँ, क्योंकि ऐसे तो खाली बिना प्लांट के जो गमले हैं वो अच्छे नहीं लगते। तो खैर, देखते हैं, जब सर्दी का मौसम हटेगा फिर हम न्यू प्लांट डालेंगे तो वो भी ग्रो करना स्टार्ट होगा। खैर, ये अभी बालकनी में ये दो ही प्लांट बचे हैं। तो चलिए, मैं आपको अपना जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन है वो दिखा रही हूँ कि सुबह उठकर खास करके मैं क्या करती हूँ। ये फिलहाल ये मेरा मास्टर बेडरूम था और हमने कुछ घर को डेकोरेट नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल सा घर है। और ये बिब्बू अभी मतलब ब्लैंकेट के अंदर ही रहा है और हम उसको बाहर भी नहीं निकालते क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। और ये आगे हम किचन में, तो किचन का ये मेरा काम स्टार्ट हो गया, जैसे कि रात को बर्तन में धो के रखी थी उन सबको अपने अपने जगह पर रख रही हूँ और ये दूध गर्म कर रही हूँ। तो सुबह बस वही, जैसे कि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाने के टाइम पर ही मुझे सुबह सुबह ही जो रहता है लंच बॉक्स रेडी करना रहता है। और ये खास करके ब्रेकफास्ट के लिए मैं ये मैगी बना रही थी, मतलब लंच का जो है वो मैंने बना ली और वो बनने के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट बनाने के टाइम। और ये वीडियो उस टाइम की है जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, फिर मेरा काम स्टार्ट होता है, मतलब घर को जैसे डस्टिंग वगैरह करना और ये खास करके बेड को ठीक करना है। तो सर्दियों का जो भी कपड़े हैं, जैसे कि ब्लैंकेट वगैरह, मैं सभी इस कबर्ड में रख देती हूँ। और आपको दिख रहा होगा कि जो जैकेट्स वगैरह है वो सब इसी कबर्ड में रखी हूँ। और मैं ये हर 3 दिन में अपना जो बेडशीट है वो चेंज करती हूँ। और सर्दियों में खास करके मैं वो ये उलन वाला बेडशीट यूज करती हूँ जिसमें गर्माहट रहती है। बारी है कपड़े धोने की। तो फर्स्ट में ये उलेन का जो कपड़े निकले हुए है वो उसको मैं क्लीन कर दूंगी। और ये जो मतलब दिन भर में ऐसे ही कोहरा रहने के वजह से कपड़े ठीक से नहीं सूखते, तो मैं रात होने से पहले उनको बाहर से निकाल लाती हूँ, फिर थोड़ा रूम में फैन में सुखा देती हूँ और सुबह ही के टाइम ही मैं उनको फोल्ड कर देती हूँ। तो ये मैं वही कर रही थी। और इस टाइम में नहा धोकर आने के बाद जो कपड़े, मेरे जो उलन कपड़े थे वो भी क्लीन हो चुके थे, तो उनको ही सुखा रही थी।
अब चलिए मैं आपको ये जो हमारे ओडिशा में ये जैसे कि जगन्नाथ जी का प्रसाद लगता है, ये खोजा तो या फिर उसको फेनी भी बोलते हैं, तो उसको बनाने का रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने 1 कप के बराबर मैदा ली हूँ और उसमें मैं ये 3 स्पून घी डाल रही हूँ। अब घी को मैंने मेल्ट कर ली थी, फिर भी वो इतना सर्दी के मारे वो हार्ड हो गया था। और ये मैं जो वनस्पति घी आता है उसको यूज कर रही हूँ, और इसको हम जैसे कि आटे गूंदने के टाइप लगा देंगे। और इसका जो डो रहता है वो थोड़ा सख्त रखना है, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। अब देखिए ये जो घी तो मेरा वही मतलब सख्त हो चुका है, ये देखिए, इसलिए मैंने ये जो रिफाइंड ऑयल है वो ली हूँ। ये दिख रहा होगा आपको जो स्टील के कटोरी में है वो रिफाइंड ऑयल है। अब इसमें मैं ये चावल का आटा मिक्स कर रही हूँ। अब देखिए ये जो हम डो लगा के रखे थे, ये अभी 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसको हम दोबारा ऐसे थोड़ा गूंथ लेंगे और इसके छोटे छोटे लोई बना लेंगे, और उसको हम रोटी के जैसा बना लेंगे, बिल्कुल फ्लैट चपाती बना देंगे। अब ये देखिए ये जो मैदे का जो रोटी है वो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो जितने सारे लोइया है मैंने उनका सबका ये रोटी बना दी थी। और ये एक रोटी के बनाने के बाद, मतलब फाइनल जो रोटी था वो बनाने के बाद, उसके ऊपर जो ये मिक्स है घोल है तेल और चावल के आटे का, वो हमें इसके ऊपर ऐसे ही लगाना है। और ऐसे ऐसे करके हमें एक एक लेयर बनाना है, मतलब ये चावल का और तेल का घोल डालने के बाद उसके ऊपर और एक रोटी, फिर उसके ऊपर वही सेम स्टेप फॉलो करना है, लाइक ये घोल डालना है फिर से उसके ऊपर वही और एक चपाती। तो ऐसे ही करके हमें सारे जो मतलब 5 लेयर बनाना है, 5 लेयर का एक मोटा सा रोटी बनाना है। आप चाहो तो 4 में भी बना सकते हो, 3 में भी बना सकते हो, फिलहाल मैं 5 का बना रही हूँ। इससे ज़्यादा क्या होगा, जो स्टेप जो उसके अंदर का जो रहता है ना लेयर, वो अच्छी तरह से नज़र आएगा। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही करना है। अभी ये देखिए ये सारे रोटियों का मैं ऐसे बनाने के बाद उसको फाइनली ऐसा रोल जैसा शेप दूंगी। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे ही करना है और धीरे धीरे प्रेस करना है। अब ये देखिए ये जो रोल बन के रेडी हो गया है, अब मैं इसको कट कर दूंगी। ये जो कट कर रही हूँ मैं इसको 1 इंच के नाप के बराबर ही मैं गैप रख के कट कर रही हूँ। अब ये देखिए ये मेरा कट करने के बाद मैं आपको ये अंदर का लेयर जो बना है वो दिखा रही हूँ। ये जो लेयर बना है ये चावल के आटे के वजह से लेयर बना है, और साथ ही साथ चावल के आटे में ये भी रहेगा कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा खाने में। अब ये जो कट किया हुआ जो पीसेस है मैं इनको अच्छी तरह से बेल लूँगी। अब ये दूसरे साइड देखिए मैं कढ़ाई पर घी चढ़ाई हूँ, जो घी थोड़ा सा बस हल्का सा गरम करना है, ज़्यादा गरम नहीं करना है। ये देखिए हल्का ही गरम हुआ है, और ये जो मैं खोजा बेल के रखी थी उसको मैं इसमें तल लूँगी। याद रखिए गैस का जो आंच है वो बिल्कुल धीमी रखनी है, नहीं तो जो खोजा डालते ही वो जल जाएगी और अंदर का जो है वो कच्चा रह जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लेयर में बना है, तो हमें इसको बस हल्की आँच में ही पकाना है। अब ये मैंने जो खोजा का जो फ्राई करने का प्रोसेस है वो मैंने दूसरे साइड लगा दी, और इस साइड में ये चीनी का चाशनी बना रही हूँ। अब ये देखिए मैं आपको जो तला हुआ जो खोजा है वो दिखा रही हूँ। और ये देखिए चीनी का चाशनी जो उसका जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ऐसे ही होना है, मतलब एक तार आना चाहिए। ये देखिए मैं आपको क्लोज लुक दिखा रही हूँ।
अब ये चीनी को चाशनी को हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वो हल्का सा ठंडा हो जाए, और ये ठंडा होने के बाद ये जो तला हुआ जो खोजा है हम उस पर ऐसे जो चीनी का चाशनी ऐसे चढ़ाएंगे। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जैसे कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये मकर संक्रांति के दिन भी खाते हैं। और ये अब ये देखिए, ये जो खोजा है ये मेरा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ऊपर का जो चाशनी है वो बिल्कुल सख्त हो जाए। ये देखिए, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको स्नैक्स के टाइम पर खा सकते हैं और टी टाइम के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। और अंदर भी बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो गया है। इसका जो चीनी का चाशनी है अभी सख्त नहीं हुआ है, इसको फिलहाल सख्त होने के लिए कम से कम 2 या 3 घंटे चाहिए ही चाहिए। और यह मैं आपको दिखा रही हूँ रात की डिनर के टाइम की रूटीन। तो डिनर में मैं सिंपल सा खिचड़ी बनाई थी, दाल वाली खिचड़ी। और ये जो दाल वाली खिचड़ी है इसमें मतलब बहुत ही कम मसाले के साथ बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। इसके लिए मैं ये 4 कलियाँ लहसुन को ऐसे अच्छी तरह से चॉप कर रही हूँ। और ये एक बड़े साइज के प्याज थे, उसमें मैंने थोड़ा सा यूज की थी, तो बाकी का पूरा जो बचा था मैं उसमें इसी में ही यूज कर लूँगी। और ये एक छोटे साइज का टमाटर मैं इसमें इसको अच्छे तरह से चॉप करके ऐड कर दूँगी। और ये 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया का पत्ता। बस इतना सा सिंपल में ही, मतलब इतने से इंग्रेडिएंट से में ही जो हमारा जो खिचड़ी है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये कैसे बनाती हूँ। अब देखिए मैं आपको इसकी क्वांटिटी दिखाती हूँ। मतलब ये देखिए, ये एक छोटा सा कप है, इसमें मैं ये एक मुट्ठी बासमती चावल ली हूँ। और ये 2 मुट्ठी के बराबर, मतलब इस ग्लास में मैं हाफ ग्लास चावल ली हूँ और फुल ग्लास जो है वो मूंग की दाल ली हूँ। और इस खिचड़ी को खास करके मैं ये सरसों के तेल में बनाऊँगी। तेल हल्का सा गर्म होते मैं इसमें ये जो लहसुन काट करके रखी थी उसको ऐड कर दूँगी। अभी लहसुन का जो स्मेल है वो थोड़ा सा आना स्टार्ट होगा, तब हम उसके ऊपर ये जो अनियन है इसको मैं ऐड कर दूंगी। अब अनियन को जो है वो बस हल्का सा पकाना है, मतलब वो बिल्कुल रेड नहीं करना है। देखिए ये जैसे सॉफ्ट हो गया, मैं इसमें ये जो टमाटर है उसको ऐड कर दूंगी। और टमाटर जो है बहुत सॉफ्ट होने के बाद जो दाल चावल का जो मिक्स है वो उसको ऐड कर दूंगी। और इसमें बस जैसे कि मसाले, नमक, हल्दी और मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको सीटी लगा लेंगे। और इसमें मैं कोई गरम मसाला यूज नहीं कर रही हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये भुना हुआ जीरा का पाउडर है, बस इसी के साथ ही मैं ये खिचड़ी बनाऊँगी। और ये देखिए, ये जो दाल चावल में से कट कर लिए। अब देखिए ये मीडियम फ्लेम पर मैंने ये खिचड़ी बनाई थी 2 सीटी तक। अब ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है।
कभी कभार ऐसा ना, जैसे कि बहुत ही सिंपल सा दाल की खिचड़ी या फिर दाल चावल खाने का बहुत ही ज़्यादा मतलब मन होता है, और खास करके इतनी सर्दियों में ये गरम गरम खिचड़ी तो खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और खिचड़ी ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, और मेरा बेटा जो है वो भी ये खा लेता है। वैसे तो वो खिचड़ी इतनी जल्दी नहीं खाता है, पर ये थोड़ा जिसमें दाल ज़्यादा डालती हूँ और चावल की मात्रा जो है वो कम ऐड करके ऐसे बनाती हूँ, तो वो खा लेते हैं अच्छे से। अब बस ये जो खिचड़ी मेरा है ये बिल्कुल रेडी हो गया है, आप इसके अचार सलाद या फिर पापड़ के साथ बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। तो बस फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।